लक्ष्मी पूजन अभी हम लोग करेंगे, तो लक्ष्मी पूजन के अंदर हमको क्या क्या सामग्री लगेगी सबसे पहले हम लोग वो चीज़ देख लें। जो भी सामग्री लगेगी आप लोग नोट करके रख लेना, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो देखिए, हमने कलश रखा हुआ है, कलश के अंदर हम लोग कमलगट्टा ज़रूर डालें। कमलगट्टे का बीज देखिए ऐसे होता है, जो लोग नहीं जानते हैं, कमलगट्टा, सुपारी, हल्दी, सिक्का, अक्षत और पुष्प, ये आपको कलश के अंदर डालना है। देखिए कलश के कंठ के ऊपर आपको मौली बांध देना है। मौली बांधने के बाद आप इसके ऊपर पूर्ण पात्र रखेंगे, पूर्ण पात्र के अंदर चावल रहेगा और इसके ऊपर नारियल रहेगा, तो नारियल का जो मुख है ना, नारियल का मुख हमारे तरफ होगा और इसके अंदर आम का पल्लव रहेगा। बाकी तिलक आदि हम लोग पूजन में करेंगे, अभी आप लोग तिलक नहीं करना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास माता लक्ष्मी जी की मूर्ति है और गणेश जी की भी मूर्ति है। यदि आप लोगों के पास मूर्ति नहीं हो तो आप लोग फोटो रख सकते हैं गणेश जी की और लक्ष्मी जी की। ध्यान रखिएगा कि गणेश जी के दाहिने तरफ लक्ष्मी जी रहेंगी। हमने आसन पहले से ही दे रखा है चावल के ऊपर। यहाँ पर 5 बत्तियों वाला दीपक हम लोगों ने रखा है। आपके पास ऐसा दीपक नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप लोग निराश नहीं होना, नॉर्मल आप सिंगल बत्ती वाला दीपक भी जला सकते हैं। ये हमने कुबेर पूजन के लिए रखा हुआ है। आपके पास तो आप तिजोरी होगी ना, तो तिजोरी पे आप लोग पूजन कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर गुल्लक रखा हुआ है तिजोरी के अंदर, और जो भी मैं बताऊंगा आपको, जहाँ भी हम लोग धन रखते हैं वहाँ पर हम लोग कुबेर का पूजन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने गहने रखा हुआ है, ये चांदी का है। आपके पास सोने का होगा तो आप लोग सोने का भी गहना रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक घी है, शहद है, दही है, दूध है और एक गुड़ का पानी है, ये आपको रखना है स्नान के लिए। फिर यहाँ पर पंचामृत है, इन्हीं 5 चीज़ों को मिलाकर ये पंचामृत बनता है। ये मधुपर्क है। मधुपर्क क्या होता है कि मधुपर्क के अंदर आप घी मिलाइएगा, शहद मिलाइए, चीनी मिलाइएगा, थोड़ा जल मिलाइएगा और बस ये मधुपर्क हो गया। ये मधुपर्क भी हम लोग अर्पित करते हैं। अब देखिए हम लोगों ने भोग की यहाँ पर सामग्री रखी हुई है। यहाँ पर मिठाई रखा हुआ है, पान के पत्ते रखे हुए हैं, यहाँ पर सुपारी है, फिर इलायची है, लौंग है, कपूर है। आपके घर में जो भी पूरी पकवान बनाओ उसके स्थान पर आप ये रख सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग आरती के लिए। हमारे पास कपूर रखना जरूरी है, कपूर से हम लोग आखिरी में आरती करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास ना एक दीपक है, ये घी का दीपक रहेगा। आप लोग इसे प्लेट में रखिएगा, क्योंकि बार बार इसे देवी देवताओं को दिखाना होता है ना, तो इसलिए इसको प्लेट में रखिएगा ताकि आप उठाकर दिखा सकें। फिर ये धूप करने के लिए देखिए आपके पास ये ऑप्शन है, कंडे जला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मार्केट में ऐसा धूप मिल जाता है। मैंने दोनों रखा है ताकि आप लोग देख सकें। अब यहाँ पर हमने प्लेट में वस्त्र रखा है, एक माँ के लिए जो वस्त्र है चुनरी, फिर गणेश जी के लिए भी है जनेऊ है, और कोई भी आप वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। बाद में ये वस्त्र आप किसी ब्राह्मण को अथवा तो किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। फिर ऋतु फल के लिए हमने फल रखा हुआ, जो भी मार्केट में आपको फल मिलता हो वो आप लोग ले लेना। यहाँ पर पूजन की थाली है, पूजन की थाली में हमने देखिए क्या क्या रखा हुआ है, अक्षत है, सिंदूर है, अबीर है, सफ़ेद चंदन है, कुमकुम है, इत्र है, इत्र के पास ना रुई भी है, रुई से ही चढ़ाएंगे हम लोग इत्र। फिर यहाँ पर दूर्वा है और ये गंगा जल है। ये गंगा जल के अंदर आप आम का पत्ता रख लेना और अथवा तो चम्मच आदि रख लेना, जिससे हम लोग पवित्रीकरण शुद्धिकरण करेंगे। ये माचिस हैं, कुछ दक्षिणा आप लोग रख लीजिएगा, और ये जो कलश में डालने के लिए मैंने बताया था वो चीज़ है। फिर यहाँ पर ना मैंने एक आम का पत्ता रखा हुआ है, जिससे हम लोग ये पंचामृत से स्नान कराएंगे आम के पत्ते की मदद से। अब यहाँ पर हमारे आचमन के लिए अलग नॉर्मल जल रखा हुआ है, जिससे हम लोग स्वयं आचमन करेंगे। अब हमारे पास सबसे मुख्य चीज़ ये देखिए पुष्प रखा हुआ है। यदि आपके पास लाल और पीला पुष्प मिल जाए तो सबसे उत्तम है, आप लोग वही पुष्प रखिए। बस ये देखिए पूजन की संपूर्ण तैयारी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पूजन की शुरुआत करेंगे, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, पूजन अब हम लोग शुरू करते हैं। जो गंगा जल हमने रखा हुआ है अपने पूजन की सामग्री में,
उस गंगा जल को हम पूर्ण सामग्री के ऊपर और खुद के ऊपर भी छाट लें। मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। अब हम लोग अपने दाहिने हाथ में 3 बार जल लेकर उसका आचमन कर लें। भगवान का नाम ले सकते हैं, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, अथवा तो जो भी भगवान का आप नाम लेना चाहें लेकर आप आचमन कर लें। और 4थी बार में आप हाथ अपना धो लें। हाथ अपने लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ धोना है। फिर उसके बाद आप स्वयं को तिलक करें। यदि पूजन के लिए कई लोग बैठे हैं तो सभी लोग आप लोग तिलक कर लेना। तिलक करने के बाद आपको हाथ धो लेना है फिर से। हाथ हमेशा आपको अपने बाएं तरफ ही धोना है, लेफ्ट साइड, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पूजन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संकल्प करेंगे। संकल्प के लिए आप अपने दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प और थोड़ा सा जल ले लेना और इस प्रकार से संकल्प करना जैसे मैं कह रहा हूँ। आप केवल सुनना और जहाँ पर आपका नाम गोत्र बोलना है वहाँ पर आप लोग बोल लेना। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौधावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। आप जहाँ पर हैं वहाँ स्थान का आप लोग नाम ले लें। फलाना क्षेत्रे, अथवा तो गांव में है तो गांव का नाम ले लें। फलाना नगरे मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे पुण्यायाम अवस्यायाम तिथो। अमुक गोत्रोत्पन्ने, आप अपने गोत्र का नाम ले लेना। अमुक नाम, आप अपना नाम ले लेना। अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फलाव्याप्ति कामनाया ज्ञाता ज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वकम स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम श्री महालक्ष्मी पूजनम कुबेरादी नाम च पूजनम करिष्ये। अब आपने जो भी हाथ में द्रव्य लिया हो वो भगवान के आगे समर्पित कर देना। संकल्प में हमने कहा है कि हमें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो, समस्त पापों का नाश हो, ये हमने। और उसके बाद हम लक्ष्मी जी का पूजन करें, कुबेर आदि का पूजन करेंगे, ये संकल्प हमने धारण किया है। अब हम लोग सबसे पहले गणेश और गौरी का स्मरण करेंगे। तो हाथ जोड़ लें। सबसे पहले हम गणेश जी का ध्यान करेंगे। संकल्प पूरा होने के बाद सर्वप्रथम हम लोग गणेश जी और गौरी जी का स्मरण करेंगे मंत्र पूर्वक। आप लोग साथ में बोलिएगा, ओम गम 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 गणपतये नमः, ओम गम 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 गणपतये नमः, ओम गम 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 गणपतये नमः। अब ओम ह्रीं गौरये नमः, ओम ह्रीं गौरये नमः, ओम ह्रीं गौरये नमः। इसके बाद हम लोग हाथ जोड़े रखें। 9 ग्रहों का हम लोग स्मरण करेंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। 9 ग्रहों को मन ही मन आप लोग प्रणाम कर लें। हे 9 ग्रह देवताओं, आप हमारे जीवन में अनुकूल बनना, ऐसी आप प्रार्थना कर लें मन ही मन। देखिए, पूजन केवल आप ऑडियो चलाकर सुन लें, मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भावपूर्वक पूजन करें, ये मानकर पूजन करें कि हम लोग सही में देवताओं का पूजन कर रहे हैं। केवल क्रिया नहीं, भाव भी डालें। तो आप 9 ग्रहों से खूब प्रेम पूर्वक प्रार्थना करें कि हे 9 ग्रह देवताओं, आप हमारे जीवन में अनुकूलता प्रदान करिए। अब हम लोगों ने जो कलश रखा है ना सामने, उसका पूजन हम लोग करेंगे।
उसके पूजन के लिए आप हाथ में जल, अक्षत और पुष्प ले लेना। और मैं यहाँ से मंत्र पढ़ रहा हूँ। मंत्र पढ़ने के बाद आप ये अक्षत पुष्प वहाँ पर कलश के आगे समर्पित कर देना। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृता कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रितः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयान्तु देव पूजार्थम दुरितक्षयकारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्रः सरितस्तीर्थानि जलदानदः आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरतिक्षयकारकः ओम वं वरुणाय नमः ओम वं वरुणाय नमः। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, कलश के ऊपर हम लोगों ने भले ही पहले से तिलक कर रखा हो, लेकिन कलश की पूजन स्थापना के समय आपको तिलक करना है। अब देखिएगा आपकी ओर पूर्व दिशा कहाँ है। पूर्व दिशा कलश का पूर्व दिशा है ना। कलश का पूर्व दिशा जहाँ हो आप वहां पर आप तिलक कर देना कुमकुम से ओम ऋग्वेदाय नमः। अब दक्षिण दिशा देखिएगा, दक्षिण दिशा कहाँ है। दक्षिण दिशा कलश का, वहां पर आप लोग तिलक करिएगा ओम यजुर्वेदाय नमः। अब पश्चिम दिशा की ओर ओम साम वेदाय नमः। अब उत्तर दिशा की ओर ओम अथर्व वेदाय नमः। अब कलश के ऊपर आप एक तिलक कर दें ओम वरुण देवताय नमः। कलश देवता को हम लोग प्रणाम कर लें। अब हम लोग मुख्य पूजन करेंगे। माता लक्ष्मी जी का और गणेश जी का साथ में ही पूजन होगा, ठीक है। सामग्री आप लोग रखे हैं साथ में रखिएगा। अब हम लोग गणेश जी का और लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे साथ में ही। आप लोग हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेना। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपीथ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरार्तवनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणखचितः स्वापिता हेमकुम्भे सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ताः ॐ। लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। हाथ में लिया हुआ द्रव्य माता लक्ष्मी और गणेश जी के आगे आप समर्पित कर देना। अब हम लोग आवाहन करेंगे भगवान का, माता का। तो आवाहन के लिए आप स्क्रीन पर देखिए, आवाहन की मुद्रा बना लें और एक व्यक्ति बनाएं जो सामने बैठे हैं। बाकी लोग हाथ में पुष्प और अक्षत ले सकते हैं। आवाहन का मंत्र मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। ए है हि हे रंब महेश पुत्र समस्त विघ्नोघ विनाश दक्ष मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान गृहाण पूजां भगवन नमस्ते। माता लक्ष्मी जी के लिए भी हम लोग ओम हिरण्यवर्णाम हरिणिम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावह ओम। लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प आप समर्पित कर देना यदि आपने हाथ में रखा हो तो। अब हम भगवान को आसन प्रदान करेंगे। आप लोग हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेना।
तप्त कांचन वर्णाभम मुक्तामणि विराजितम् अमलम कमलम दिव्यम आसनम प्रतिगृहताम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान के आगे आप समर्पित कर देना। अब हम लोग पाद्य अर्पित करेंगे। पाद्य यानी होता है चरण धुलाना। जैसे कोई मेहमान आता है ना, तो हम लोग भारतीय संस्कृति में सबसे पहले उनके चरण धुलाते हैं, उसके बाद उनके हाथ आदि प्रक्षालित करते हैं, फिर स्नान कराते हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा है। तो अभी हमने भगवान का आवाहन किया ना, तो उनको बैठने के लिए हमने आसन दिया। आसन देने के बाद हम उनके चरणों को प्रक्षालित करेंगे। यदि आपने मूर्ति रखी हुई है तो आप एक अलग प्लेट में, कटोरी में रख लेना ये मूर्ति को, और यदि आपके पास फोटो है तो फोटो के आगे कटोरी रख देना। बाकी मूर्ति के ऊपर आप स्नान आदि तो करवा सकते हैं, लेकिन फोटो के ऊपर नहीं करवा सकते ना, तो फोटो के आगे जो कटोरी रखी है उसके अंदर आप ये जलादि अर्पित करते जाना। समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए अब हम लोग भगवान का पाद्य से पूजन करते हैं, यानी उनके चरणों को प्रक्षालित करते हैं। एक व्यक्ति ये पूजन कार्य करता रहे, बाकी लोग बैठकर शांत भाव से मन ही मन भगवान के, माता जी के चरणों को प्रक्षालित कर लेना। मंत्र में यहाँ से पढ़ रहा हूँ। गंगादि तीर्थ संभूतम गंध पुष्पाधिभिर्युतम पाद्यम ददाम्यहम देव गृहाणाशु नमोस्तुते। पाद्यम गृहाण देवेशी सर्वक्षेम समर्थ भो भक्त्या समर्पितम देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्री महालक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। पादयो पाद्यम समर्पयामि। खूब भाव से आप भगवान के श्री चरणों को प्रक्षालित करना। एक व्यक्ति जो लोग पूजा कर रहे हैं वे तो पूजन करें ही, बाकी जो लोग बैठे हैं ना वे लोग मन ही मन ये पूजन कार्य करते जाना। अब हम लोग भगवान को और माँ को अर्घ समर्पित करेंगे। अर्घ के लिए मंत्र में यहाँ से पढ़ रहा हूँ। अर्घ में आपके पास जो भी सादा जल हो अथवा तो अष्टगंध मिश्रित जल हो तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। गंध पुष्पाक्षतैर्युक्तम अर्घ्यम संपादितम मया गृहाणार्घ्यम मया दत्तम प्रसन्नो वरदो भव। नमस्ते देव देवेशी नमस्ते कमलधारिणी नमस्ते श्री महालक्ष्मी धनदा देवी अर्घ्यम गृहाण। गंध पुष्पाक्षतैर्युक्तम फल द्रव्य समन्वितम गृहाण तोयमर्घ्यर्थम परमेश्वरी वत्सले गृहाण तोयमर्घ्यर्थम परमेश्वरी वत्सले गृहाण तोयमर्घ्यर्थम परमेश्वरी वत्सले। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। हस्तयोर्घ्यम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को और माँ को आचमन समर्पित करेंगे। कर्पूरेण सुगंधेन वासितं स्वादुशीतलं तोयमाचमनीयार्थं गृहाण परमेश्वर। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब हम लोग स्नान कराएंगे। स्नान के लिए मैं यहाँ से मंत्र पढ़ रहा हूँ। आप लोगों ने जो मूर्ति रखी है ना उसी के ऊपर स्नान कराना। बाकी लोगों ने जो फोटो रखा है आगे कटोरी में आप जल अर्पित करते जाना। मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्व पाप हरम शुभम तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृहताम्। गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जलेह स्नापितासी मया देवी तथा शांतिं कुरुष्व मे। अब हम लोग माँ को और गणेश जी को दुग्ध से स्नान कराएंगे। कामधेनु समुत्पन्नम सर्वेषां जीवनम परम पावनम यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानार्थम अर्पितम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। पयः स्नानम समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। हमने अब कच्चे दूध से स्नान कराया ना, उसके बाद आप लोग नॉर्मल जल से, सादे जल से आप भगवान को, माँ को स्नान करा दीजिए।
अब हम लोग दही से स्नान कराएंगे। मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ, पयस्तु समुद्भूतम मधुराम्लम शशि प्रभम दध्यानि तम मया देव स्नानार्थम प्रतिगृहताम। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। दधि स्नानम समर्पयामि, दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। फिर से हम लोग शुद्ध जल से माँ को और भगवान को स्नान करा दें। अब हम लोग घृत स्नान कराएंगे। मंत्र में यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप लोग स्नान कराते जाना। नवनीत समुत्पन्नम सर्व संतोष कारकम घृतम तुभ्यम प्रदास्यामि स्नानार्थम प्रतिगृहता। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। घृत स्नानम समर्पयामि, घृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। फिर से आप शुद्ध जल से स्नान करा देना। अब हम लोग मधु स्नान कराएंगे, शहद होता है ना, शहद से हम लोग स्नान कराएंगे। तरु पुष्प समद्भूतम सुस्वादु मधुरम मधु तेज पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृहताम। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। मधु स्नानम समर्पयामि, मधु स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। फिर से आप शुद्ध जल से भगवान को स्नान करा दीजिए। अब हम लोग शर्करा स्नान कराएंगे। इक्षु सार समद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थम प्रतिगृहता। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। शर्करा स्नानम समर्पयामि, शर्करा स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। फिर से आप शुद्ध जल से भगवान को माँ को स्नान करा दीजिए। अब हमारे पात्र में जो ये द्रव्य इकट्ठा हो गया ना, उसको अलग पात्र में रख लें, अथवा तो मूर्ति को ही भगवान को उठाकर आप दूसरे पात्र में रख लें। अब हम लोग ना पंचामृत से स्नान कराएंगे भगवान को। फोटो के आगे जो आपने कटोरी रखी है, अब वो कटोरी बदल देना, पंचामृत से स्नान कराएंगे हम लोग। तो ये पंचामृत आप बाद में प्रसाद रूप में बांट सकते हैं, ले सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। तो अब हम लोग पंचामृत का मंत्र पढ़ते हैं, आप लोग स्नान कराते जाना। पयोदधि घृतम चैव मधु शर्करयान्वितम पंचामृतम मयानीतम स्नानार्थम प्रतिगृहताम। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि, पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अब हम लोग शुद्ध जल से स्नान करा दें भगवान को और माँ को। ये पंचामृत वाला आप प्रसाद अलग से रख लेना। अब फिर से माँ को भगवान को अलग प्लेट में आप लोग रख लीजिए, अलग थाली में रख लीजिए। और जिन लोगों ने फोटो के आगे कटोरी रखी है, फिर से आप कटोरी बदल लीजिए। अब हम लोग गंधोदक स्नान कराएंगे। गंधोदक स्नान क्या होता है, आप लोग जल लेना, उसके अंदर सफ़ेद चंदन मिला देना और उससे आपको भगवान को और माँ को स्नान कराना है। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ। मलयाचल संभूतम चंदनागरु संभवम चंदनम देव देवेश स्नानार्थम प्रतिगृहता। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि। अब हम लोग शुद्धोदक स्नान कराएंगे, यानी गंगा जल से आप स्नान करा सकते हैं, अथवा तो सादे जल से भी आप स्नान करा सकते हैं। मंत्र है, मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्व पाप हरम शुभम तदिदम कल्पितम तुभ्यम स्नानार्थम प्रतिगृहताम। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नान कराने के बाद अब हम लोग आचमन के लिए कुछ जल की बूंदें माँ के और भगवान के आगे छोड़ देना। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। अब हम लोग अच्छे से माँ को स्नान करा लें, भगवान को स्नान करा लें और पोछ लीजिएगा। पोछ कर और फिर से पुनः हम लोग स्थापित कर देंगे आसन पर, जिस आसन पर हम लोग स्टार्टिंग में जो अपने आसन लगाया था ना माँ के लिए भगवान के लिए, उसी आसन पर हम लोग रख देंगे। और फोटो है तो फोटो के आगे से आप ये जल वाला जो पात्र है ना वो आप हटा लीजिएगा। अब हम लोग वस्त्र पहनाएंगे।
तो देखिए मेहमान आते हैं तो हमने आसन दिया, फिर उनका अर्घपाद्य स्नान आदि से पूजन किया, फिर उसके बाद हम उनको वस्त्र अर्पित करते हैं। तो वस्त्र के लिए आप माँ को चुनरी अर्पित कर सकते हैं, गणेश भगवान के लिए आप कलावा है तो कलावे का धागा भी आप अर्पित कर सकते हैं। फोटो है आपके पास तो चुनरी और कलावा आप अर्पित कर देना। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ। शीतवातोष्ण सत्राणं लज्जया रक्षणं परं देहालंकरणं वस्त्रं अतः शांति प्रयच्छमे। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। वस्त्रं समर्पयामि, आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब हम लोग दो बूंद जल माँ के आगे भगवान के आगे छोड़ देना, ये आचमन है वस्त्र पहनाने के बाद। अब हम लोग उपवस्त्र समर्पित करेंगे। गणेश जी को आप यज्ञोपवीत है तो यज्ञोपवीत पहना देना, अथवा तो एक कलावे का धागा ही आप अर्पित कर देना, और माँ के लिए आप एक रक्षा सूत्र अर्पित कर देना। मंत्र में पढ़ रहा हूँ। यस्याभावेन शास्त्रोक्तम कर्म किंचिन सिद्ध्यति उपवस्त्रम प्रयच्छामि सर्व कर्मोपकारकम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। उपवस्त्रम समर्पयामि, आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर से आप आचमन के लिए दो बूंद जल समर्पित कर देना। अब हम लोग माँ के आगे भगवान के आगे कांसे की कटोरी में, अथवा तो चांदी की कटोरी हो, अथवा तो स्टील की मत लेना और तांबे की भी नहीं लेना है। तो यदि आपके पास हो तो आप लोग इसके अंदर मधुपर्क रख देना, अथवा तो दोने में, पत्तल के दोने में आप मधुपर्क अर्पित करना। मधुपर्क क्या होता है कि दही, घी, जल, शहद और चीनी, इसको जब हम लोग मिला देते हैं ना तो इसे मधुपर्क कहते हैं। तो आप मिलाकर चढ़ाइए अथवा तो अलग से चढ़ा दीजिए, तो ये मधुपर्क होता है। मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप भगवान के आगे समर्पित करना। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। मधुपर्कम समर्पयामि, उसके बाद आचमनीयम जलम च समर्पयामि। आचमन के लिए दो बूंद जल आप समर्पित कर देना। अब हम लोग माँ को और गणेश जी को आभूषण समर्पित करेंगे। आभूषण के लिए मैं मंत्र यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। आपके पास जो भी अलंकार है, आभूषण है, नए आप खरीद कर लाए हैं वो, अथवा तो पुराना भी चलेगा, आप उसे धो धाकर माँ को समर्पित कर देना, भगवान को समर्पित कर देना। मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ। रत्न कंकण वैदुर्यम युक्ता हारदिकानि च सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि स्वीकुरुष्व भो। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। नाना विधानी कुंडल कटकादिनी आभूषणानि समर्पयामि। अब हम लोग गंध समर्पित करेंगे। गंध के लिए आपके पास जो चंदन होगा ना, चंदन लगा दें अनामिका उंगली से माँ को और भगवान को। गंध कर्पूर संयुक्तम दिव्यम चंदनमुत्तमम विलेपनम सुरश्रेष्ठ प्रत्यर्थम प्रतिगृहता। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। गंधम समर्पयामि। अब हम लोग सिंदूर समर्पित करेंगे। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहता। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। सिंदूरम समर्पयामि। अब हम लोग कुमकुम समर्पित करेंगे। कुमकुमम कामदम दिव्यम कुमकुमम कामरूपिणम अखंड काम सौभाग्यम कुमकुमम प्रतिगृहता। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। कुमकुमम समर्पयामि। अब हम लोग इत्र समर्पित करेंगे। दिव्य गंध समायुक्तम महापरिमलाद्भुतम गंध द्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं वै परिगृहता। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। सुगंधित तैलं पुष्पसारं च समर्पयामि। अब हम लोग अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत आप लोग हाथ में ले लेना, कुमकुम उसके अंदर मिला लेना थोड़ा सा। मंत्र यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुमकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। अक्षतान समर्पयामि।
अब हम लोग पुष्प और पुष्प माला समर्पित करेंगे। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यत्यादिनी वै प्रभो मयानि तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहताम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। पुष्पम पुष्पमालाम च समर्पयामि। देखिए गणेश जी को आप लाल पुष्प समर्पित करें और यदि आपके पास कमल का पुष्प हो तो आप कमल का पुष्प समर्पित करें। अब भगवान को इन पुष्पों से सजा दीजिए। जहां पर आपको वीडियो फास्ट लगे ना आप वहां पर पॉज कर लेना और ये पूजन करते रहना। अब हम लोग दूर्वा अर्पित करेंगे। माँ को भी दूर्वा चढ़ता है और गणेश जी को भी चढ़ता है। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। दूर्वा अंकुरान समर्पयामि। माँ के आगे भगवान के आगे दूर्वा आप चढ़ा देना। अब हम लोग अंग पूजन करेंगे। देवी लक्ष्मी जी का होली से कुमकुम आदि मिश्रित अक्षत पुष्पों से हम एक एक नाम पढ़ते जाएंगे यहाँ से। और आप हाथ में पुष्प और उसके ऊपर कुमकुम लगा लेना, थोड़ा अक्षत ले लेना, उसमें एक एक पुष्प आप चढ़ाते जाना जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ते जाऊंगा। ओम चपलाय नमः पादौ पूजयामि। पुष्प और अक्षत कुमकुम लगावा आप चढ़ाते जाएं। ओम चंचलाय नमः जानुनी पूजयामि। ओम कमलाय नमः कटिम पूजयामि। ओम कात्यायन्ये नमः नाभिम पूजयामि। ओम जगन्मात्रे नमः जठरम पूजयामि। ओम विश्ववल्लभाय नमः वक्षस्थलम पूजयामि। ओम कमलवासिन्ये नमः हस्तो पूजयामि। ओम पद्माननाय नमः मुखम पूजयामि। ओम कमलपत्राक्षये नमः नेत्रत्रयम पूजयामि। ओम शिरेह नमः क्षीरम पूजयामि। ओम महालक्ष्मी नमः सर्वांग पूजयामि। अब देखिए हम लोग अष्ट सिद्धि का पूजन करेंगे। आप लोग हाथ में अक्षत ले लेना। अब हम लोग अष्ट सिद्धि का पूजन करेंगे। देखिए आप लोग अक्षत ले लेना, अक्षत पुष्प ले लेना और जैसे जैसे मैं यहाँ से नाम मंत्र पढ़ता जाऊँगा आप, मैं दिशा भी बताऊँगा, आप उस दिशा में अक्षत छोड़ते जाना। ओम अणिमने नमः पूर्व दिशा में अक्षत छोड़ दीजिए। ओम महिमने नमः अग्नि कोण में अक्षत छोड़ दीजिए। ओम गरिमने नमः दक्षिण दिशा में अक्षत छोड़ दीजिए। ओम लघिमने नमः नैऋत्य दिशा में अक्षत छोड़ दीजिए। ओम प्राप्ते नमः पश्चिम दिशा में अक्षत छोड़ दीजिए। ओम प्राकाम्ये नमः वायव्य दिशा में अक्षत छोड़ दीजिए। ओम इशिताय नमः उत्तर दिशा में अक्षत छोड़ दीजिए तथा ओम वशिताय नमः ईशान दिशा में आप अक्षत छोड़ दीजिए। ये हमने अष्ट सिद्धियों का पूजन किया। पूर्व से शुरू करके क्लॉकवाइज आपको वहीं पर आना है। पूर्व दिशा से आपने शुरू किया और फिर से वहीं पर आए। ये आठ दिशाएं होती हैं, इसके अंदर अष्ट सिद्धियों का वास होता है। अब हम लोग अष्ट लक्ष्मी का पूजन करेंगे। अष्ट लक्ष्मी के पूजन के लिए मैं मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ। आप अक्षत और पुष्प लेकर माँ लक्ष्मी के आगे समर्पित करते जाना। ओम अद्य लक्ष्मी नमः समर्पित कर दें पुष्प अक्षत। ओम विद्या लक्ष्मी नमः। ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। ओम अमृत लक्ष्मये नमः। ओम काम लक्ष्मये नमः। ओम सत्य लक्ष्मये नमः। ओम भोग लक्ष्मये नमः। ओम योग लक्ष्मये नमः। अब हम लोग धूप दिखाएंगे माँ को। वनस्पतिरसद्भूतो गंधाढ्यः सुमनोहरः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहताम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। धूपम आघ्रापयामि। अब हम लोग दीप दिखाएंगे। मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप दीप दिखा देना। कार्पासवर्ति संयुक्तम घृतयुक्तम मनोहरम तमोनाशकरम दीपम गृहाण परमेश्वर। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। दीपम दर्शयामि। दीप दिखाने के बाद आप खुद का हाथ धो लेना। अब हम लोग नैवेद्य अर्पित करेंगे माँ को और गणेश जी को। नैवेद्य में आप यदि खीर अर्पित कर सकते हैं तो सबसे उत्तम। और उसके बाद आपके पास जो भी फल हो, जो भी आपने पूरी पकवान घर में बनाया हो, वो सब चीज़ आप लाकर भगवान के आगे समर्पित कर देना। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ।
शर्कराखंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहताम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः, नैवेद्यं निवेदयामि। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से नैवेद्य रख देना, अब उसके बाद वीडियो चालू करना। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि, दो बूंद जल आप भगवान के आगे माँ के आगे समर्पित कर देना। फिर मध्ये पानीयम, फिर उसके बाद फिर से दो बूंद आप समर्पित कर देना। उत्तरा पोषणार्थम हस्त प्रक्षालनार्थम मुख प्रक्षालनार्थम च जलम समर्पयामि, फिर से आप दो बूंद जल भगवान के आगे माँ के आगे समर्पित कर देना। अब ऋतु फल हम लोग समर्पित करेंगे, जो भी फल आप लेकर आए हो मार्केट से वो आप समर्पित कर देना। यदि आपने पहले से ही फल रख दिया हो ना तो आप उसको स्पर्श कर लेना। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः, अखंड ऋतु फलम समर्पयामि। अब हम लोग पोगी फल जिसको पान कहते हैं, हम लोग पान के ऊपर आप इलायची लौंग सुपारी कपूर आदि जो आपके पास हो आप रख लेना। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप ये समर्पित कर देना। पोगी फलम महद्दिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम एलाचूर्णादि संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहताम्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः, मुखवासार्थे एला लवंगादिभिर्युतम तांबूल पत्रम पोगी फलम च समर्पयामि। अब हम लोग दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा के साथ आप अक्षत भी रखना हाथ में। मंत्र यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदम अतः शांतिम प्रयच्छ मे। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः, दक्षिणाम समर्पयामि। अब हम लोग आरती करेंगे। आरती के लिए अपने अपने स्थान पर हम लोग खड़े हो जाएं। कपूर से हम लोग आरती करेंगे। कपूर से आरती, यदि आप आरती गाना चाहें तो आरती गा सकते हैं, अथवा तो 7 बार ही आप लक्ष्मी जी की आरती घुमा लेना, भगवान की आरती घुमा लेना, तो भी ये पूर्ण माना जाएगा। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, आ मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती तह सब सदगुण आता, हाँ मैया सब सदगुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता।
हाँ प्रेम सहित गाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। आरती हो गई, आरती आप नीचे रख दीजिए। तीन बार इसका शीतलीकरण करना है, तीन बार आप जल घुमा कर रख देना, फिर उसके बाद माता को आरती, भगवान को आरती दिखाकर स्वयं आरती ले लेना, खुद का हाथ धो लेना। आरती आपने किया ना, खुद का हाथ धो लेना, घर भर में आरती दिखा देना, सभी लोग आरती ले लेना। उसके बाद आप प्रदक्षिणा करेंगे हाथ जोड़कर, अथवा तो ऐसे हाथ बना लेना, वीडियो में आप देख लेंगे, दाहिना हाथ आगे बायां हाथ पीछे, प्रदक्षिणा करेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः, प्रदक्षिणाम समर्पयामि। अब हम लोग हाथ में पुष्प ले लें, अब हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, अब हम लोग भगवान को विदाई दे रहे हैं, ठीक है। तो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उसके बाद हम लोग क्षमा प्रार्थना करेंगे, हमने भगवान को विदाई दे दी ये मानकर। हाथ में पुष्प ले लीजिए, मंत्र है, यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयाद्याजमन्वहम् सुक्तम पंचदशर्चम च श्रीकामः सततम् जपे। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः, पुष्पांजलिम समर्पयामि। हाथ में लिया हुआ पुष्प हम आगे समर्पित कर दें। अब हम लोग प्रार्थना करें कि हमसे जो भी गलती हुई है, हे भगवान, हे माता, आप हमें क्षमा करना। विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भवानी तं महालक्ष्मी सर्वकाम प्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना स्यान् महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते सर्व देवानां। अब हम सब देवताओं को नमस्कार कर रहे हैं जो भी यहाँ पर उपस्थित थे। नमस्ते सर्व देवानां वरदासि हरि प्रिये यागतिस्त्वत् प्रपन्नानां सामे भूया त्वदर्चनात्। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः, प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को, माँ को नमस्कार कर लें। अब हम लोग जो पूजन किए हैं ना, वो भगवान को ही समर्पित करते हैं। हाथ जोड़ लें, कृतेनानेन पूजनेन लक्ष्मी गणपति प्रियताम न मम। प्रणाम कर लें, हमने भगवान को विदाई कर दी। ये हो गया लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन। अब कुबेर पूजन के लिए हमारे पास यदि कुबेर जी का फोटो हो तो अच्छा है, यदि फोटो नहीं हो तो हम लोग जिसमें भी धन रखते हैं ना, वो धन का संदूक अथवा तो गोलक रख लें और कुबेर का भी हम लोग पूजन कर लें। हमने गणेश जी और माता लक्ष्मी का पूजन तो कर लिया, मैंने पहले इसलिए पूरा करवा दिया कि मान लीजिए आपकी तिजोरी कहीं और रखी हुई है ना, और तो आप उसको उठाकर ये पूजन के स्थान पे तो ला नहीं सकते हैं ना, अथवा तो हमने कहीं हमारा जो गल्ला हो जहाँ पर हम लोग पूजन करना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये पूजन अलग कर दिया है, कुबेर जी का पूजन अलग किया हुआ है। तो मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा, आप तिजोरी के पास जाइएगा अथवा तो जहाँ भी हम लोग धन संपत्ति रखते हैं वहाँ पर आप लोग जाइएगा। बस दो ही मंत्र है, वो पढ़कर आप लोग जिस प्रकार से मैं बताऊंगा ऐसे आप कर लेना। सबसे पहले आप संदूक पर अथवा तो तिजोरी आदि पर स्वास्तिक बना लेना। स्वास्तिक बनाने के बाद हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेना और भगवान कुबेर भंडारी का आवाहन करना। आवाहयामि देवत्वाम् इहायाहि कृपां कुरु कोशं वर्धय नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर। ओम कुबेराय नमः। आप अक्षत और पुष्प अपनी तिजोरी के ऊपर रख दें और 11 बार बोलें, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः,
ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। अब आपको क्या करना है, देखिए, एक कपड़ा लेना, कपड़े के अंदर हल्दी की एक गांठ रखना, धनिया रखना, सूखा धनिया, कमलगट्टा रखना, कुछ सिक्के रख देना, चांदी के हो तो अच्छा है, उसके बाद दूर्वा रखना, ठीक है। अब इसको बांध लेना, ये आपको अभी करना है, इसको बांध कर आप ये तिजोरी में रख देना। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप इसे पकड़े रहना, जब मंत्र पूरा हो जाए तो आप ये तिजोरी में रख देना। धनदाय नमस्तुभ्यम निधि पद्माधिपाय च भवन्तु त्वत्प्रसादेन धन धान्यादि संपदः। आप इसे रख दीजिए तिजोरी में, अथवा तो जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ पर, आप ये जो दुकान के गल्ला है ना उसके अंदर भी रख सकते हैं। अब आप प्रणाम कर लेना कुबेर भगवान को। बस ये पूजन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही पूजन के लिए, तिथि त्यौहार की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल पर आप लोग बने रहिए, औरों को भी शेयर करिए, और दोबारा मिलना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हरे कृष्ण।